हेलो दोस्तों, आप सभी का क्यूरियोसिटी वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हूं सनी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉलम स्प्लाइसेस के बारे में। सो यहां पे जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, क्या है चीज। समटाइम्स द लेंथ ऑफ द कॉलम इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मे बी सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ ए सिंगल पीस। जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पे क्या होता है, हमारा वो कॉलम मेंबर बहुत लार्ज होता है। तो इसके कारण कॉलम मेंबर बहुत लार्ज होने के कारण तो हमें तो इतना लंबा कॉलम तो मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो हमें जो एक पर्टिकुलर लेंथ का जो मैन्युफैक्चर होता है कॉलम मेंबर, उसको ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन जो करते हैं और ज्वाइन करने के लिए हम स्प्लाइस यूज़ करते हैं। सो हैंड स्प्लाइसिंग इज फ्रीक्वेंटली बी रिसोर्टेड टू इन सच केसेस। तो ऐसे स्प्लाइसेस यूज़ करते हैं एज इट इज़ ए कॉमन पॉइंट ऑफ वीकनेस। सो स्प्लाइसेस जहाँ पे होता है वहाँ पे वीकनेस, ये कॉमन पॉइंट है वीकनेस होने का, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है द मोस्ट दिस मस्ट बी प्रॉपरली अटेंडेड टू सो दैट स्प्लाइस इज नॉट वीक इन एक्सियल लोड हॉरिजॉन्टल शियर एंड बेंडिंग। सो इसलिए एक पर्टिकुलर स्प्लाइस को तीन तरीके का लोड सह सके ऐसे बनाना पड़ेगा, एक्चुअल लोड हॉरिजॉन्टल शियर एंड बेंडिंग मोमेंट। द स्प्लाइस में भी डन बाय मींस ऑफ बोल्टिंग रिवेटिंग एंड वेल्ड। और स्प्लाइस किससे ज्वाइन किया जाता है, बोल्टिंग रिवेटिंग एंड वेल्डिंग के साथ ज्वाइन किया जा सकता है। सो टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कंप्रेशन स्लाइसेस, दो तरीके का कंप्रेशन स्लाइसेस है। एक है जो कॉलम स्लाइसेस हुज एंड आर कट बाय ऑर्डिनरी मेथड से जो एंड कट किया जाता है, और जो कॉलम स्लाइसेस है जिसका एंड मशीन और मिल तरीके से काट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिचुएशन है एंड द मैनर इन विच द कॉलम स्लाइसेस आर प्रोवाइडेड। कुछ सिचुएशन है जहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन में जो हमारा कॉलम स्लाइसेस प्रोवाइड किया जाता है। जो पहले जो केस है इसमें क्या होता है, व्हेन द कॉलम स्लाइसेस ऑफ सेम साइज एंड मिल्ड एंड आर प्रोवाइडेड। सो ये दो कॉलम स्लाइसेस जो है, ये ऊपर वाला कॉलम स्लाइस, ऊपर वाला जो कंप्रेशन मेंबर है, दो कंप्रेशन मेंबर जो है, इन दोनों को ज्वाइन किया गया है बाय मीन्स ऑफ दिस कॉलम स्लाइसेस, दिस आर स्प्लाइस। ठीक है, और स्प्लाइसेस को मेंबर के साथ किससे कनेक्ट किया गया है, बोल्ट और रिवेट। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ये बोल्ट है या रिवेट है। सो इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और इसको इस साइड में अगर देखते हैं इस साइड से, तो ये व्यू दिखेगा, बोल्ट और रिवेट जो भी है, ये बोल्ट है शायद। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो केस है इसमें हमारा है, व्हेन द कॉलम्स आर स्लाइटली डिफरेंट साइज फिलर प्लेट्स आर यूज। सो यहाँ पे जो वो है हमारा दो कंप्रेशन मेंबर है, ऊपर का कंप्रेशन मेंबर और नीचे का कंप्रेशन मेंबर जो है, दो मेंबर जो है डिफरेंट जो इसका डेप्थ होगा, इसका जो डिफरेंट डेप्थ होगा, मतलब हमारा जो आई सेक्शन में डेप्थ होता है ना, ये अगर आई सेक्शन हुआ सो ये वाला हमारा डेप्थ होता है। सो अगर डिफरेंट डेप्थ का हुआ और फ्लेंज का जो विड्थ है, वो सिमिलर है, वो दोनों का सेम है, लेकिन डेप्थ डिफरेंट है। तो डेप्थ डिफरेंट होने से क्या होगा, हमारा यहाँ पे पैकिंग यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम फिलर प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैकिंग यूज़ करेंगे, ये वाला एक्स्ट्रा पैकिंग है, और पैकिंग के ऊपर हम हमारा यहाँ पे और पैकिंग है, हम हमारा वो देते हैं स्प्लाइस प्लेट देते हैं, जो दोनों को कनेक्ट करते हैं, और दोनों और स्प्लाइस प्लेट में हम हमारा वो देते हैं बोल्ट और रिवेट और वेल्डिंग कनेक्शन से दोनों मेंबर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस केस में तो हमारा वो है, वो हमारा जो फ्लेंज का दोनों मेंबर का ऊपर मेंबर और नीचे के मेंबर का जो फ्लेंज का विड्थ था, वो फ्लेंज का विड्थ था सिमिलर था, लेकिन ये जो नेक्स्ट वाला केस है इसका फ्लेंज का विड्थ भी डिफरेंट है और हमारा जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ वो भी डिफरेंट है। सो ये यहाँ से जो फ्लेंज का विड्थ डिफरेंट है, इसके कारण क्या हुआ, एक चीज़ हुआ, ये जो हमारा लोड एक्सियल मेंबर लोड जो फ्लेंजेस है फ्लेंजेस में कैरी करता है, मैक्सिमम लोड फ्लेंजेस में कैरी करता है। सो अगर यहाँ पे एक चीज़ दिया जाता है दो मेंबर के बीच में, पहला ऊपर का मेंबर जो था, ये ऊपर का मेंबर जो है, ये मेंबर और ये मेंबर जो है, दोनों कंप्रेशन मेंबर में हमारा क्या है, नीचे के मेंबर में और दोनों के बीच में एक चीज़ दिया जाता है जिसको बोला जाता है हमारा बियरिंग प्लेट। ठीक है, बियरिंग प्लेट दिया जाता है। बियरिंग प्लेट क्यों दिया जाता है, ताकि हमारा जो ये फ्लेंज ऊपर का फ्लेंज जो लोड कैरी कर रहा है वो नीचे के फ्लेंज तक ट्रांसफर कर सके, ये जो फ्लेंज कैरी कर रहा है वो नीचे के फ्लेंज तक ट्रांसफर कर सके। नहीं तो ये लोड कहाँ पे जाएगा, नीचे के मेंबर का वेब में जाएगा, और जो इससे वो ये फेलियर हो जाएगा। इसके लिए हम ताकि ऊपर का मेंबर नीचे की कंप्रेशन मेंबर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके लोड, इसलिए हम बीच में एक बियरिंग प्लेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बियरिंग प्लेट है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा क्या जाता है, इसके यहाँ पे हमारा ये दिया जाता है जो फिलर प्लेट्स, हाँ दोनों तरफ फिलर प्लेट्स दिया जाता है, और दोनों में जो फ्लेंज का जो विड्थ है वो डिफरेंट होने के कारण हमारा जो हम यहाँ पे जो वो देंगे, ये वाला क्या है स्प्लाइस, एंड ये वाला है हमारा फिलर प्लेट, ये दोनों फिलर प्लेट का जो वो था विड्थ होगा, विड्थ
ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा, नीचे से ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और ऊपर से ग्रेजुअली इंक्रीज ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। सो ये वाला तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो डिजाइन प्रोसीजर देख लेते हैं। डिजाइन प्रोसीजर में जो केस वन है इसके बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पे है व्हेन द एंड ऑफ द कॉलम आर कट बाय ऑर्डिनरी मेथड, ऑर्डिनरी मेथड से जब कट किया जाता है तब जो पहला जो स्टेप है वो है लोड टू बी ट्रांसफर्ड इन बाय कॉलम स्प्लाइसेस इक्वल टू द टोटल एक्सियल लोड। टोटल एक्सियल लोड जितना है, जितना लोड हमें हमारा मेंबर कैरी करना कैरी करेगा वही लोड कैरी कर सके ऐसा ऐसे हमारे कॉलम स्प्लाइस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और दो साइड में दो कॉलम स्प्लाइस प्रोवाइड किया जाता है। सो एक कॉलम स्प्लाइस में एक स्प्लाइस में कितना लोड जाएगा, हाफ ऑफ द एक्चुअल लोड, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते थर्ड वाला स्टेप क्या है। थर्ड वाला स्टेप है स्प्लाइस प्लेट आर एज्यूम टू एक्ट एज शॉर्ट कॉलम ऑफ जीरो स्लेंडरनेस रेशियो। जो स्प्लाइस हम यूज करते हैं वो हम एज्यूम करेंगे शॉर्ट कॉलम ऐसे जीरो स्लेंडरनेस रेशियो, क्योंकि ये साइड में टोटल हमारा जो मेन कॉलम है मेन कॉलम में के साइड में कनेक्ट किया जाता है तो ये भी कॉलम की तरह ही काम करता है, ये भी लोड एक्चुअली लोडेड होता है। सो ये एक हम कंसिडर करते हैं कि ये शॉर्ट कॉलम है जिसका स्लेंडरनेस रेशियो जीरो है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या जो एरिया ऑफ द और बोल सकते हैं जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्प्लाइस प्लेट होगा वो कैसे निकालेंगे, जो लोड ऑफ द स्प्लाइस प्लेट डिवाइडेड बाय Fy डिवाइडेड बाय 1.1, मतलब यील्ड पॉइंट तक हम स्लाइस प्लेट कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है टेक अप द विड्थ ऑफ द प्लेट। जो यहाँ पे अगर स्लाइस प्लेट है, ये अगर स्लाइस प्लेट है हमारा, सो बोल्टिंग से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम हमारा जो मेन मेंबर है, मेन मेंबर अगर इधर है, इसको मैं अच्छे से ड्राइंग कर देता हूँ, ठीक है। सो ये अगर मेन मेंबर है, सो मेन मेंबर होने से यहाँ से इस सेक्शन में हम वो करते हैं स्प्लाइस प्लेट लगाते हैं। तो स्प्लाइस प्लेट में जो एरिया, ये एरिया जो है, ये एरिया कौन सा एरिया होगा, ये एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। सो एरिया अगर निकल गया तो हमें पूछ रहा है यहाँ पे टू टेक अप द विड्थ ऑफ द स्प्लाइस प्लेट। विड्थ ये विड्थ जो होगा, ये विड्थ कितना होगा, ये विड्थ इज इक्वल टू द फ्लैंज ऑफ द ये जो फ्लैंज है हमारे मेन मेंबर का, जो फ्लैंज का विड्थ होगा ये जितना होगा इतना ही हमारा जो स्प्लाइस प्लेट का विड्थ इतना होगा। और थिकनेस जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ए का वैल्यू पता है और डिवाइडेड बाय ये लेंथ अगर हम इससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब थिकनेस विड्थ अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें थिकनेस मिल जाएगा, ठीक है। थिकनेस भी मिल गया और एक क्राइटेरिया है यहाँ पे, मिनिमम थिकनेस हम 6 mm प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड एंड द नंबर ऑफ बोल्ट इज फाउंड। जो नंबर ऑफ बोल्ट कितना बोल्ट चाहिए होगा ताकि ये मतलब कनेक्ट कर सके और टोटल लोड कैरी कर सके वो कैसे निकालेंगे, जो लोड होता है स्प्लाइस प्लेट में जितना लोड है और डिवाइडेड बाय हमारा बोल्ट का जो एक पर्टिकुलर बोल्ट का जितना स्ट्रेंथ है वो डिवाइड करने से टोटल नंबर ऑफ बोल्ट मिल जाएगा, ठीक है, एंड इज द नंबर ऑफ बोल्ट और रिवेट जो भी है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा लेंथ ऑफ द स्प्लाइस प्लेट है, लेंथ मतलब ये कितना एक्सटेंड तक जाएगा, ऐसे लेंथ इस तरफ से कितना एक्सटेंड तक जाएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो तरफ से एज डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ये वाला एज डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट दो तरफ एज डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और बीच में अगर जितना भी बोल्ट है इसमें पिच डिस्टेंस जो भी पिच डिस्टेंस है पी जितना पिच है, नंबर ऑफ बोल्ट माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई पिच जो भी है वो वैल्यू मिलने से हमें मिल जाएगा जो लेंथ है। फिर यहाँ पे मिनिमम पिच का एक क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट और मिनिमम एज डिस्टेंस दिया हुआ है 1.7 ऑफ द होल डायमीटर इन केस ऑफ द शेयर्ड और हैंड फ्रेम आउट एजेस और 1.5 मल्टीप्लाइड बाई होल डायमीटर इन केस ऑफ रोल्ड मशीन फ्लेम कार्ड सोन और प्लैंड एजेस, ठीक है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं हमारा जो है जो व्हेन एंड ऑफ द कॉलम्स आर मशीन एंड मिल। जो नेक्स्ट जो केस है वो है जब मशीन एंड मिल जब होगा तो हम एक ही चीज़ इसमें डिफरेंट है वो है जो हम कॉलम में जो कॉलम स्प्लाइस में जो लोड लेंगे वो 50% ऑफ द टोटल एक्चुअल लोड। पहले के केस में हम क्या ले रहे थे, टोटल 100% ले रहे थे, मतलब जो टोटल लोड जितना होगा इतना ही हम कॉलम स्प्लाइस भी इतने एक्चुअल लोड कैरी कर सके ऐसे डिजाइन करेंगे 100% लोड, लेकिन यहाँ पे जो लेंगे इसके इन दिस केस 50% लेंगे, ठीक है। और रिमेनिंग जो प्रोसीजर है वो केस वन में जैसा है वैसे ही होगा डिजाइन। नेक्स्ट केस जो है वो है इफ मोमेंट और शेयर, अगर ये हमारा मेन मेंबर है, मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये अगर हमारा मेन मेंबर है और साइड में हम हमारा स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, थीके? इसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे में थोड़ा लगता हूँ, स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड किया है ये दोनों में। सो ये बैंड क्यों ड्राइंग किया,
ये बैंड इसलिए ड्रॉइंग किया क्योंकि यहाँ पे मोमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। अगर इस बेंड इस कंप्रेशन मेंबर में मोमेंट क्रिएट होता है, मतलब बेंडिंग होने से तो मोमेंट क्रिएट होता है ना, तो मोमेंट क्रिएट होने से हमारा जो कैसे इसको डिजाइन किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। व्हेन इफ मोमेंट एंड शेयर फोर्स, और मोमेंट शेयर फोर्स अगर क्रिएट मोमेंट अगर क्रिएट होगा तो शेयर फोर्स तो होगा ही होगा, आर एक्टिंग इन एडिशन टू द एक्सियल लोड। एक्सियल लोड तो है ही, इसके इसके बाद भी एक मोमेंट है, मोमेंट है। ये मोमेंट होने के लिए जो स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड किया जाएगा वो कैसे प्रोवाइड किया, स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड किया जाएगा और इसके साथ वेब फ्लेंजेस, फ्लेंज ये वाला फ्लेंज पार्ट है, फ्लेंज में तो प्रोवाइड किया जाएगा स्प्लाइस प्लेट, और इसके अलावा हमारा जो है ये जो वेब पार्ट है, वेब पार्ट में भी हमारा वो स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड किया जाएगा। स्प्लाइस प्लेट अटैच टू द फ्लेंजेस आर डिजाइन टू रेजिस्ट एक्चुअल एडिशनल एक्चुअल लोड इक्वल टू एम बाई ए। सो ये जो चीज़ है ये क्या है देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल लोड तो आएगा लेकिन बेंडिंग के कारण अगर एम मोमेंट क्रिएट हुआ, मैं यहाँ पे ड्राइंग है कहाँ पे था, सो अगर बेंडिंग के कारण एम मोमेंट क्रिएट होता है, सो ये अगर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस ए है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये फ्लेंज फ्लेंज की सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस है वो है ए, ठीक है। और अगर एम मोमेंट क्रिएट हुआ सो इसमें जो हमारा एडिशनल एक्सियल लोड जो क्रिएट होगा, इसमें जो एक्सियल लोड क्रिएट होगा वो होगा एम डिवाइडेड बाई ए, एडिशनल एक्सियल लोड जो क्रिएट होगा वो एम डिवाइडेड बाई ए होगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट। द वेब स्प्लाइस प्लेट आर डिजाइन टू रेजिस्ट मिनिमम शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स, ठीक है। और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा बीच में जो वेब में जो स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड किया जाता है वो क्या किस लिए होगा, क्योंकि अगर बेंडिंग क्रिएट होगा तो हमारा शेयर फोर्स तो क्रिएट होगा ही होगा, मतलब ये वाला जो मैंने डायरेक्शन दिया ये शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स होगा। सो इसलिए हमारा जो वो जो वेब में ऐसे ऐसे शेयर फोर्स क्रिएट होगा। सो शेयर फोर्स क्रिएट होगा ताकि ये हमारा जो वेब स्लाइस है वो क्या रेजिस्ट करता है, वो शेयर फोर्स रेजिस्ट करता है। और ये जो हम वेब स्लाइस देंगे वो ऐसे ऐसे डिजाइन करके देंगे ताकि ये मैक्सिमम शेयर फोर्स जो रेजिस्ट कर सके वैसे हम ये वाला हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ केस देख लेते हैं। फोर्थ केस है हमारा जो स्प्लाइसिंग ऑफ डिफरेंट कॉलम सेक्शन सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स मोमेंट एंड शेयर। ये तीनों का केस जो है स्लाइसिंग डिफरेंट डिफरेंट केस में, एक केस देख लेते हैं। व्हेन द डिफरेंट कॉलम व्हेन डिफरेंस इन कॉलम डेप्थ इज लेस नो बियरिंग प्लेट्स आर रिक्वायर्ड। सो ऊपर में भी देखा था, अगर डिफरेंस इन द कॉलम डेप्थ जो है यहाँ पे इसका जो कॉलम डेप्थ था और इसका जो कॉलम डेप्थ था ये डिफरेंस कम था, इसके लिए यहाँ पे बियरिंग प्लेट इसके बीच में बियरिंग प्लेट नहीं चाहिए था नॉट रिक्वायर्ड। बट यहाँ पे जो है ये कॉलम डेप्थ और ये कॉलम डेप्थ बहुत डिफरेंस है, इसके लिए हम ये बियरिंग प्लेट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो सो यहाँ पे जो कॉलम डेप्थ अगर नहीं रहता है इस वाले केस में जो हम फिलर ये डिज़ाइन करते हैं, फिलर प्लेट फिर डिज़ाइन ऑफ स्लाइस ये कैसे डिज़ाइन करते हैं वो देख लेते हैं। फॉर फ्लेंजेस में जो हम फिलर प्लेट डिज़ाइन करते हैं वो फिलर प्लेट का जो थिकनेस होगा वो हाफ ऑफ द डिफरेंस इन द कॉलम डेप्थ। मतलब यहाँ से मैं समझाता हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आ गया, मैं अगले से अलग से एक ड्राइंग बनाता हूँ। ये एक हमारा कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस आएगा ये वाला हम पैकिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे, ये और ये, ठीक है, ये हम पैकिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे, ये इतना और इतना। सो ये जो पैकिंग के लिए जो थिकनेस है, दिस थिकनेस विल बी हमारा जो अगर इस कॉलम का थिकनेस अगर टी हुआ और इस थिकनेस का अगर कैपिटल टी हुआ, सो डिफरेंस ऑफ दिस होगा t-t, ठीक है। t-t कौन सा है, ये दोनों फ्लेंजेस के डिफरेंस में जो ये फिलर प्लेट मैं प्रोवाइड करूंगा, ये फिलर प्लेट का जो थिकनेस होगा ट्वाइस ऑफ दिस थिकनेस होगा। सो इसलिए ये जो डिफरेंस आएगा इसका हाफ करने से हमें थिकनेस ऑफ द फिलर प्लेट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में इक्वली प्रोवाइड करने से हमारा टोटल जो डिफरेंस आएगा वो मेकअप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा अगर हमारा जो width of the filler plate it decreases gradually from width of the flanges of lower plate to the width of the
फ्लेंज इन द टॉप कॉलम। यहाँ पे जो था मैंने समझाया था पहले, ये जो फ्लेंज था इससे जो डिक्रीज हुआ विजुअली वही होगा विड्थ, अगर डिफरेंस आया फ्लेंजेस में दोनों में, ठीक है ऐसा होगा। नेक्स्ट हमारा है कि लेंथ ऑफ द फिलर प्लेट। लेंथ ऑफ द फिलर प्लेट जो होगा ये मैक्सिमम हाफ ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्लेंज ऑफ स्प्लाइस प्लेट जो होगा। ये लेंथ ऑफ द फिलर प्लेट कितना होगा, ये मोर देन द हाफ ऑफ द फ्लेंज ऑफ स्प्लाइस प्लेट है। फिर वेब जो है फॉर वेब, वेब के लिए जो साइज ऑफ फिलर प्लेट होगा शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ वेब प्लेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है थिकनेस ऑफ द स्प्लाइस प्लेट, ये कितना होगा, हाफ ऑफ द डिफरेंस इन द थिकनेस ऑफ वेब। यहाँ पे जो जैसा ये जैसे है ये वाला जैसे हम डिसाइड करते हैं, ये वाला भी ऐसे ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि डिफरेंस दोनों साइड में मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है। इसी हिसाब से हम थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है डिजाइन ऑफ फ्लेंज ऑफ स्प्लाइस प्लेट। जो हम स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड करते हैं जो फ्लेंज, वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो केस थ्री में जैसे हम डिसाइड प्रोसीजर था, वो केस थ्री के हिसाब से इस हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं फ्लेंज ऑफ स्लाइस प्लेट, जहाँ पे एक्सियल फोर्स एंड मोमेंट एंड शियर फोर्स होता है। नेक्स्ट है वेब। जब हम वेब प्रोवाइड करते हैं, तो वेब में क्या होता है, ये ऊपर वाला केस में देख यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। सो ये जो शेयर फोर्स क्रिएट होता है, शेयर फोर्स एज क्रिएट हुआ, ठीक है, और इस शेयर फोर्स एज क्रिएट हुआ और इसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट साइड में एफ टू एक पर्टिकुलर एक बोल्ट में, ऊपर के एक बोल्ट में एफ टू फोर्स आया, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास से ए डिस्टेंस में है, सो इसके लिए मोमेंट भी क्रिएट होगा, और मोमेंट जो क्रिएट होगा उसको रेजिस्ट करने के लिए जो बोल्ट मोमेंट क्रिएट करेगा वो मोमेंट के लिए जो फोर्स होगा वो होगा F1 into R, ये वाला R, F1 into R। सो इसलिए जो डायरेक्ट शेयर क्रिएट होगा वो है H by 4, F2 जो होगा वो H by 4 होगा, क्योंकि चारों में इक्वल H डिवाइड हो जाएगा, इसलिए H by 4 होगा, ठीक है। और मोमेंट जो F1 जो क्रिएट होगा, एक एक में जो F1 क्रिएट होगा वो किस कैसे होगा, H by A क्या है, ये जो मोमेंट क्रिएट होता है, टोटल मोमेंट जो क्रिएट होगा वो H by A है, और H by A मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फोर्स F1, और ये फोर्स मिला के इसका जो वेक्टर सम होगा वही हमारा बोल्ट में रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट करेगा बोल्ट में, ताकि हमें ये बोल्ट जो हम डिजाइन करेंगे वो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स, ठीक है, उस हिसाब से हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट। थिकनेस ऑफ प्लेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थिकनेस ये वाला जो है ये हमारा ये जो एच है ये है विड्थ ऑफ द स्प्लाइस प्लेट, ये विड्थ ऑफ द स्प्लाइस प्लेट मल्टीप्लाइड बाय ये वाला इस यहाँ पे लेके जाते हैं तो क्या आएगा, ये एरिया बन जाएगा, मतलब टी इंटू एच ये एरिया बन जाएगा, सो इसलिए एच को यहाँ पे लेके आ गया। सो बाकी सब क्या है, एरिया कैसे निकालते थे, एरिया इज इक्वल टू एच जो है शेयर फोर्स जो आता है इसको FY डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट रूट थ्री, क्योंकि ये शेयर में है तो शेयर फोर्स, तो एरिया ऐसे निकल जाएगा, और एरिया को हम लिख सकते हैं टी इंटू एच, और टी को यहाँ पे रख के एच यहाँ पे रख सकते हैं, सो हमें मिल जाएगा थिकनेस, ठीक है। सो थिकनेस ऐसे मिल गया, यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या, और मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लाइस प्लेट शुड बी 6 mm, ये क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब डिफरेंस ऑफ द कॉलम डेप्थ इज मोर। जब डिफरेंस जो दो जो कॉलम है, दो कॉलम जो है ऊपर वाला कॉलम नीचे वाला कॉलम जो है उसका डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है अगर, तो हम बियरिंग प्लेट प्रोवाइड करते हैं। सो बियरिंग प्लेट जब प्रोवाइड करते हैं उसका जो फंडा है वो क्या है, देख लेते हैं कि ऊपर वाला जो केस है बियरिंग प्लेट जो है वो फ्लेक्चरल मेंबर की तरह काम करता है, मतलब ऐसे जो बेंडिंग होता है ये इसमें बेंडिंग क्रिएट होता है, ये सपोर्ट है सिंपली सपोर्टेड केस की तरह ऐसा है। सो ऊपर में ये ऊपर का अगर लोड W अगर वहाँ से ऊपर से आ रहा है तो इसे सेपरेट हो जाएगा W/2, और बियरिंग प्लेट इसको ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे ये W/2, ठीक है। सो इसके कारण मोमेंट क्रिएट होगा, ये जो मोमेंट क्रिएट होगा कितना मोमेंट क्रिएट होगा, ये होगा W/2 मल्टीप्लाइड बाई B, ये मोमेंट क्रिएट होगा। सो इस मोमेंट को सह सके ऐसे हमें ये बियरिंग प्लेट प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो ये मोमेंट जो क्रिएट होगा, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ द बियरिंग प्लेट कितना होगा, W/2। और यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे कुछ बियरिंग प्लेट में भी एज्यूम टू बी शॉर्ट कॉलम टू ट्रांसमिट द एक्चुअल लोड टू द लोअर कॉलम। सो ये बियरिंग प्लेट को हम कंसिडर करते हैं एक शॉर्ट कॉलम, ठीक है। नीचे देख लेते हैं जो हमारा मैक्सिमम लोड होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ये इतना होगा। नेक्स्ट हमारा जो FWS ये क्या है, ये FBS जो है यहाँ पे डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस है, जितना स्ट्रेस ये सह सकता है, ये हमारा बियरिंग प्लेट का स्ट्रेस है, वो कितना होगा हमारा ये बियरिंग प्लेट का यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जितना होगा इतना, और मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा ये बियरिंग प्लेट का जो
वो होगा, सेक्शन मॉडुलस होगा। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा मोमेंट के साथ, इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो वो है सेक्शन मॉडुलस, इसका वैल्यू क्या है, एल टी स्क्वायर बाई सिक्स, ये आपको तो पता ही है। सो अगर तो हम लिख सकते हैं इधर कि एम इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड बाई ये, और इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई टू मल्टीप्लाइड बाई हमारा बी। सो अगर ये इक्वल कर देते हैं तो हम थिकनेस ऑफ द प्लेट ये निकाल सकते हैं, टी, टी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। सो टी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये वाला बेयरिंग प्लेट का थिकनेस हम देख सकते हैं। और विड्थ कितना होगा, वो विड्थ हमारा जो लार्जर लार्जर जो कॉलम होगा उसका जो डेप्थ होगा उसके हिसाब से हम विड्थ प्रोवाइड करेंगे, और फ्लैंजेस का जो विड्थ होगा उसके हिसाब से हम इस तरफ लेंथ दे सकते हैं, ठीक है। वैसे हम बेयरिंग प्लेट डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे आने वाले वीडियोस देखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।